नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीरा साहब क्षेत्र के गांव सिंबल कैंप में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बाबू रामपाल मुख्य तौर पर उपस्थित थे। इसके अलावा पार्टी के जोनल सचिव सुरजीत सिंह शासन सहित कई नेताओं ने बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से काफी खफा है और आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर को भारतीय नाम वाई देखो अस्थित से शेख अब्दुल्ला। तो यहाँ पर हमारी मीटिंग थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे सुरजीत सिंह शासन साहब थे, जो हमारे जोनल सेक्रेटरी भी हैं। और इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि देश के अंदर अभी हाल ही में जो 4-5 रियासतों के इलेक्शन हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमारे पार्टी से, हमारी हाई कमांड से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब से ये डायरेक्शन है कि हम अपने जोन में, ख़ासतौर पर जो हमारा जम्मू सांबा और कठुआ जोन, जिसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ है हमारे पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशनल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जिसमें ये आज हमारा जो रूरल बी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ से हमने ये शुरू किया है। एक मैसेज ये है हमारा कि अपने पार्टी काडर को रीजुविनेट करना और उनको ये कहना कि इलेक्शन हो सकता है कभी भी यहाँ पर भी हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं वो इकट्ठा होकर लोगों के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं। और ख़ास तौर पर आज की ये था कि इनको एक मैसेज देना था जो हमारे पार्टी हाई कमांड से, कि हम बूथ कमेटी जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, और उसके लिए हमने ये रखा है, अपनी बहनों के लिए रखा है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रखा है। तो बाकी तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, पहले क्या थे, आज 3 साल पहले जो क्या हालात थे तो आज क्या हैं। इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मजदूर किसान, हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं, आज वो बड़े बेदार हैं, बेकार हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत के जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और ताकि जो हमारे लोग हैं, जम्मू के कश्मीर के लोग हैं, उनको रिलीफ मिल सके, ताकि वो भी दोबारा यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कायम हो। जैसे आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक वैल्यू तक जो है ना, वो मैं समझता हूँ क्रश हो चुकी हैं। उनकी रेस्टोरेशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक वर्कर, हर एक हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं, हमारे ऑफिस भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हम मिलकर लोगों के जो मुसीबतें हैं, लोगों के जो दुख दर्द हैं, उनमें शामिल हों। यही आज का ये हमारा एजेंडा था, जिसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद। जी सिंह शासन और डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा, तिना डिस्ट्रिक्ट का मैं जनरल सकत्र और कोर कमेटी का मैंबर, ये मेरे पार्टी ने मान दिता है। आज मैं जो जलसा ऑर्गेनाइज करवाया है, ये बाबू रामपाल की देन है। मैं इन्हों का थैंक्स करना चाहता, डॉक्टर फारूक साहब का थैंक करना चाहता, उमर अब्दुल्ला साहब का थैंक्स करना चाहता, जिन्होंने मैनू मान बख्शे है। क्योंकि साढ़े जोड़े सिंबल कैंप के खास करके काफ़ी देर तो बाद इस नैशनल कॉन्फ्रेंस का असं जलसा किया है। मैं बाबू रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना और पूरी पार्टी का धन्यवाद करना। बस इतने बेनती जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.